Binsvira, और कंटिन्यू करते अपनी स्टडी को ऑफ so कंप्यूटर तो में, में, right? में हम देखने वाले हैं वर्किंग ऑफ टू डायमेंशनल लिस्ट ठीक है तो कैसे आप टू डायमेंशनल लिस्ट के साथ काम कर सकते हो मतलब हम कुछ ऑपरेशन देखने वाले हैं टू डायमेंशनल लिस्ट के इससे पहले वाली वीडियो में मैंने टू डायमेंशनल लिस्ट और नेस्टेड लिस्ट डिटेल में समझा दिया था ठीक है जैसे हमने राग्ड लिस्ट भी देखी थी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है गाइस तो एक बार वो देख के आपको पड़ जाएगा कि बारिया लिस्ट, लिस्ट, लिस्ट और उसके बाद अगर आपको वो चीजें क्लियर है तो उसके बाद हम देखते हैं अब टू डायमेंशनल लिस्ट की वर्किंग की व्हाट इज अ टू डायमेंशनल लिस्ट कैसे काम करती है एक मतलब हम इसमें कुछ एक्चुअली वर्किंग नहीं देखने वाले वी आर वर्किंग विद टू डायमेंशन लिस्ट ठीक है वर्किंग ऑफ टू डायमेंशन लिस्ट नहीं वर्किंग विद टू डायमेंशन लिस्ट मतलब टू डायमेंशन लिस्ट काम करने के लिए पहले तो उसको क्रिएट करना चाहिए फिर उसको ट्रावर्सल कराना चाहिए फिर आ, उसके एलिमेंट इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस कराना चाहिए तो वही सब चीजें आज हम यहाँ पे सीखने वाले ठीक है थीके? इससे पहले मैंने डिटेल्ड वीडियोज बना रखी है इसके इंट्रोडक्शन के ऊपर कि लिस्ट क्या होती है क्यों जरूरत पड़ी हमें कैसे क्रिएट करते हैं कैसे इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं कैसे कॉपी करते हैं बाकी कंपेयर कैसे करते हैं अलग अलग ऑपरेशन देखे हमने कंकैटिनेशन एप्लीकेशन स्लाइसिंग वगैरह ठीक है उसके बाद हमने लिस्ट मेथड्स बिल्ट इन फंक्शन देखे हमें काफी सारे जो आपके सिलेबस में है तो वो सब वीडियोज अगर आपने नहीं देखी भाई तो वो वीडियोज देखिए क्योंकि ये कोई रैंडम वीडियो नहीं है ये पूरी प्लेलिस्ट का पार्ट है जिसमें मैंने लिस्ट बहुत डिटेल में पढ़ा है जो आपके सिलेबस में है तो एक बार वो वीडियो देख के आइए ठीक है चलिए आई एम एक्सपेक्टिंग कि वह वीडियो देख के आए हैं और आपको पता है कि हमारा फिलहाल क्लास इलेवन का कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का फिलहाल का चैप्टर चल रहा है दैट इज लिस्ट और उसमें अब हम देखने वाले हैं वर्किंग विद टू लिस्ट तो अगर मैं थियोर की बात करूं तो यार ये या आपका लास्ट टॉपिक है अगर मैं बात करूं इसके साथ इसके बाद आपकी लिस्ट पूरा खत्म हो चुका है है ना अब इसके बाद जो आगे आने वाली वीडियो तो आपको मिलेंगी लिस्ट से रिलेटेड वो मिलेंगे कुछ क्वेश्चन के ऊपर जो हो सकता है थियरटिकल क्वेश्चन हो जो आपके पेपर में थियरिटिकल क्वेश्चन आ सकते हैं वो या प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर में भी आते हैं और प्रैक्टिकल पेपर में भी जाते हैं मतलब प्रैक्टिकल पेपर में भी आते हैं थ्योरेटिकल पेपर में भी आते हैं प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस तो वो हम कुछ देखेंगे आगे आने वाली वीडियोस में थ्योरेटिकली अगर मैं आपके टॉपिक्स की बात करूं कॉन्सेप्ट्स की बात करूं तो ये आपका लास्ट वीडियो है कॉन्सेप्ट्स से रिलेटेड ठीक है तो फटाफट इसको देखते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है भाई ठीक है सो वर्किंग विद टू डायमेंशनल लिस्ट सो वी नीड टू नो फॉलोइंग ऑपरेशंस टू वर्क विद टू डायमेंशनल लिस्ट तो ये ऑपरेशंस हमें आने चाहिए टू डायमेंशनल लिस्ट अगर हम काम कर रहे हैं व्हिच इज क्रिएटिंग टू डायमेंशन लिस्ट किस तरीके से आप एक टू डायमेंशन लिस्ट को क्रिएट कर सकते हो क्रिएटिंग भी हम कैसे क्रिएट करना चाह रहे हैं हम यूजर से इनपुट लेकर क्रिएट करना चाह रहे हैं मतलब रैंडमली हमें क्रिएट नहीं करना है हम टू डायमेंशन लिस्ट क्रिएट करेंगे किस तरीके से हम यूजर से कहेंगे यूजर भैया मतलब जो भी सामने वाला है भाई एक काम करो मुझे ये बता दो कि कितनी रोज चाहिए आपको फिर मुझे ये बता दो कितने कॉलम चाहिए आपको तो सामने वाले ने मुझे बता दिया कि कितनी रोज से कितनी कॉलम चाहिए उनको तो उस हिसाब से मैंने एक फ्रेमवर्क बना दिया नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स का अब मैं यूजर से मांग रहा हूं। चलो भैया आपने रो बता दिए दिए बना very good. अब मुझे क्या करो Individual elements बताओ कि क्या क्या है ठीक है मतलब फर्स्ट एलिमेंट क्या है है क्या फर्स्ट रो में फिर नेक्स्ट रो में फिर इस तरीके से पूरे कराऊंगा मैं यूजर से तो वो कैसे करा सकते हैं वो हम देखेंगे इस वीडियो में टू so गया नेक्स्ट फिर आपका ऑपरेशन आता है नेक्स्ट आपका फिर वर्क करते समय आपको चीजें पता चली मतलब जोर पड़ेगी विच ट्रैवर्सिंग ट्रैवलिंग टू डायमेंशन ट्रैवर्सिंग का मतलब मैं बहुत स्टार्टिंग से समझाता हूं ट्रैवर्सिंग मतलब एक एक एलिमेंट को विजिट करना ठीक है एक एक एलिमेंट को विजिट करना तो हम देखेंगे कि कैसे आप एक टू डायमेंशनल लिस्ट को विजिट कर सकते हो एक एक एलिमेंट को विजिट कर सकते हो इसको इवन प्रिंट भी कराऊंगा और जिस फॉर्मेट में हमें चाहिए उस फॉर्मेट में प्रिंट कराऊंगा तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है तो ट्रेवलिंग टू डायमेंशनल लिस्ट देखेंगे फिर उसके बाद लास्ट आ जाता है आपका एक्सेसिंग या चेंजिंग इंडिविजुअल एलिमेंट इन ए टू डायमेंशनल लिस्ट अब कैसे आप एक इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो उसको चेंज कर सकते हो टू डायमेंशनल लिस्ट के अंदर वो देखेंगे तो ये कुछ आपके तीन ऑपरेशन जो आपके सिलेबस में है ठीक है जो आपको एक लिस्ट के साथ

सॉरी टू डी लिस्ट राइट और इसके अंदर मैं क्या करूँगा इसके अंदर मैं ओपन कर लूँगा वी एस कोड को तो ओपन वी एस कोड करके मैंने वी एस कोड ओपन कर लिया इसके अंदर इसको बंद कर दूँगा और इसमें एक नई फाइल बना लूँगा वो चेज़ पाइथन एंड उसको फाइल डॉट पीवा ठीक है तो पाइथन फाइल बन गई बंद हो जाएगी और ये यह हम यहाँ पे बनाएंगे टू डी लिस्ट ठीक है अब टू डी लिस्ट कैसी दिखती है भाई तो सिंपल सी कहानी है टू डी लिस्ट की आपकी ठीक है टू डी लिस्ट की अगर मैं बात करूँ तब की टू डी लिस्ट कैसे दिखती है अच्छा वेरिएबल है बट हाँ हम इसको तो वो बना रहे कोई दिक्कत नहीं है है ना वेरिएबल नहीं बना रहे हम इसको बेसिकली कमेंट बना रहे तो टू डी लिस्ट कैसे दिखने वाली है आपकी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसको हम क्या करेंगे इस तरीके से ले आएंगे सपोज है ना और यहाँ पे हम बनाने वाले इंडिविजुअल एलिमेंट्स ओके जैसे सपोज मैंने यहाँ पे सॉरी सपोज आप इस तरीके से सुना तो सपोज एलिमेंट्स इसके आ गए सपोज वन कॉमर टू कॉमर थ्री के फॉर्म में दे रहे वन कॉमर टू कॉमर थ्री के फॉर्म में ठीक है फिर नेक्स्ट आ गए है ना नेक्स्ट लिस्ट आ जाएगी फिर ये आ गया फोर कॉमर फाइव कॉमर सिक्स और फिर ये हो जाएगी कॉमर एट कॉमर नाइन राइट तो इस तरीके से हमें सपोज कुछ बनानी है लिस्ट राइट तो ये है एक टू डू लिस्ट टू डायमेंशनल लिस्ट इसमें कितनी भी रोज और कितने भी कॉलम्स हो सकते हैं बस जो रोज और कॉलम्स का नंबर है वो सेम होना चाहिए राइट जैसे यहाँ पे फिलहाल तीन कॉलम्स है और तीन रोज है तो वो नंबर सेम होना चाहिए मतलब रोज और कॉलम्स का नंबर नहीं हर रो में जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो सेम हो चाहिए जैसे कि इसमें भी इस फर्स्ट रो में तीन कॉलम्स है इस फर्स्ट सेकेंड रो में तीन कॉलम है थर्ड रो में भी तीन कॉलम है अब हो सकता है मैं इसका जो है लिस्ट चेंज करके इस तरीके से बना सकता हूँ ठीक है मतलब इस तरीके से बना सकता हूँ मैं सपोज टेन है ना ये भी एक लिस्ट ही है और टू डायमेंशनल लिस्ट ही है ठीक है अब यहाँ पे कहानी क्या अलग है यहाँ पे बस अब क्या हो गया कि आपकी फोर क्रॉस थ्री का बन चुका है ये टू डे लिस्ट ठीक है जिसमें चार रोज है तीन कॉलम्स है ये भी टू डे लिस्ट है क्यों क्योंकि हर रो में जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो सेम है फर्स्ट रो में अगर आप देखो तो तीन सेकेंड में भी तीन थर्ड में भी तीन और फोर्थ में भी तीन ठीक है तो इस बात का ध्यान रखिएगा इसको टू डी कहते हैं अब आज जो हम ऑपरेशन देखने वाले हैं, अभी वो देखने वाले हैं कुछ तीन ऑपरेशन क्रिएशन है ना और फिर ट्रावर्सल और फिर एक्सेसिंग इंडिविजुअल एलिमेंट्स ठीक है तो फटाफट सबसे पहले तो क्रिएशन देख लेते क्रिएशन ऑफ टू लिस्ट ऑफ टू डी लिस्ट 2d lists so creation of 2d lists right चलिए तो 2d list create करेंगे तो सबसे पहले तो एक लिस्ट क्रिएट कर देंगे जिसे यहाँ पे की वेरिएबल है 2d list तो सबसे पहले तो एक वेरिएबल क्रिएट कर देंगे जो जो है वो लिस्ट को स्टोर करेगा ठीक है तो हम क्या करते हैं हम lst करके एक लिस्ट uh, क्रिएट कर लेते हैं lst ठीक है जो हर क्या करेगा जो उस लिस्ट को स्टोर करेगा तो एम्प्टी लिस्ट पहले क्रिएट कर दी यहाँ पे ठीक है अब देखो वहां यहाँ पे कुछ ऑपरेशन ऐसे लगेंगे कुछ हम चीज़ों को यूज करेंगे जो हमने पहले पढ़ रखी हैं राइट जो भी लिस्ट वाले उसमें ही हमने पढ़ रखे हैं वो यूज करो जैसे हमने अभी फिलहाल एम लिस्ट क्रिएट करी तो एम लिस्ट में क्रिएट करना सिखाया तो ऐसे क्रिएट कर सकते हो लिस्ट कीवर्ड की वहाँ से यूज कर सकते हो सॉरी लिस्ट कीवर्ड नहीं लिस्ट बिल्ट इन फंक्शन जो है ना तो लिस्ट को यूज कर कर सकते हो राइट फिलहाल हम एल एस करके कर रहे हैं बिकॉज हमें कोई ट्रेवल की जरूरत नहीं है ना तो मैं डायरेक्टली इसी तरीके से एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर दे रहा हूँ अब मैं क्या करूंगा अब मैं दो वेरिएबल्स भरूंगा ठीक है क्यों क्योंकि हमें पता है कि यार ये जो नंबर ऑफ रोज है और जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो डिफर कर सकते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं तो मैं क्या करूंगा दो अलग अलग वेरिएबल्स बनाऊंगा एक बनाऊंगा रोज है ना एक बनाऊंगा रोज और एक बनाऊंगा कॉलम्स ठीक है एक बनाऊंगा कॉलम्स ठीक है रोज में मैं एंट्री कराऊंगा मतलब इनपुट लूंगा यूजर से पूछते हुए कि बताओ भाई कितने रोज तुम्हें चाहिए ठीक है तो मैं इनपुट तो लूंगा उसको इंटर में टाइपकास्ट भी कर दूंगा ये चीज भी पढ़ रखी है हमने कि डायरेक्टली हम टाइप कास्ट कर सकते हैं ठीक है तो हमने क्या करा कि हमने इनपुट लिया उसको तो डायरेक्टली टाइपकास्ट कर दिया इंट में तो इनपुट ले लेता हूँ जरा मैं तो इनपुट लिया मैंने और यहां कोटेशन डाल देते कि हमें चाहिए क्या तो मैंने यूजर से कह रहा हूं एंटर द नंबर ऑफ रोस यू वॉन्ट ठीक है सो मैं इससे कह रहा हूँ क्या कैसे मतलब यूज़र से कह रहा हूँ कि मुझे बता दीजिए भाई आपको कितने चाहिए क्या कितने चाहिए भाई तो इनपुट आपको कितने चाहिए बैक स्लैश इन कर दूंगा ठीक है या फिर कागज़ इसको डैश करते हैं और यहाँ डाल देंगे बैक स्लैश इन ठीक है नई लाइन में ताकि चले जाए अब इस तरीके से जैसे मैंने रोज करा ऐसे कॉलम्स भी कराऊंगा तो वही सेम चीज़ इनपुट लूंगा यूज़र से और मैं चाहूंगा कि वो मुझे बताए कि उसे कितने क्या चाहिए कॉलम्स चाहिए So enter the number of columns you want. Uh, back version. right, I hope so much Maya. So enter the number of rows, enter the number of columns you want. Okay. तो वह आप एंट्री करा दीजिए तो मैंने ये दो चीज़ें एंटर करा ली यूज़र से मुझे रोज बता दो कॉलम्स बता दो तो जैसे कि यहाँ पे अगर मैं इस लिस्ट की बात करूँ तो यहाँ पे कितने रोज हैं तो चार रोज हैं और तीन कॉलम्स हैं ठीक है तो इस तरीके से मैंने रोज और कॉलम्स एंटर करा ली राइट अंडरस्टूड अब मैं क्या करूँगा अब मैं एक लूप चलाऊंगा जो क्या करेगा जो इटरेट करेगा ओवर रोस तो देखो हम क्या करने वाले हैं अब अगर आप इसको इस तरीके से भी देखो तो ये लिस्ट ये जो टू डी लिस्ट का एक ये फॉर्म है एक तो इस फॉर्म में दिखेगी टू डी लिस्ट आपको है ना और एक जो जनरल फॉर्म अभी हमने देखा भी है ना उस जनरल फॉर्म में दिखेगी वट इज द जनरल फॉर्म कि आपका ये जो स्पेसिंग है ये स्पेसिंग नहीं रहेगी ठीक है इस तरीके से ठीक है और कॉमर्स सेपरेटेड वैल्यूज रहेंगी ठीक है इस तरीके से कॉमर्स सेपरेटेड वैल्यूज रहेंगी तो बेसिकली ये एक मेन लिस्ट का फंडा है कि हाँ ये हम नेस्टेड लिस्ट बना रहे हैं और ये एक टू डी लिस्ट है बिकॉज नंबर ऑफ जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं सही नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं उनका जो साइज है वो सेम है तो जो लिस्ट आप बना रहे हो अंदर उन सबका साइज सेम तो एक्चुअली मैं प्रैक्टिकली मैं सही कहूँ बात तो आपको इस तरीके से देखने वाली देखने वाली लिस्ट है ना तो अब ये जो आपको बनानी है तो इसमें अगर आप देखो तो जो मेन लिस्ट है जो टू डी लिस्ट जो मेन लिस्ट है उस मेन लिस्ट में अंदर क्या है मेन लिस्ट में आपके एलिमेंट्स हैं जो क्या है लिस्ट है ठीक है अब ये क्या है देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट नाइन टेन इलेवन ये तो अगर आप देखो तो वन टू थ्री एक रो है फोर फाइव सिक्स एक रो है सेवन एट नाइन क्या है एक रो है टेन इलेवन टे क्या है एक और रो है है तो ये क्या है? आपके चार रोज है मतलब जो इसके चारो मतलब मेन लिस्ट के जो चार एलिमेंट्स है वो क्या है चार रोज है तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं हम इटरेट ओवर रोज ही करने वाले हैं मतलब सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं इसमें भाई कोड में तो सबसे पहले हम इटरेट ओवर रोज ही करने वाले हैं बिकॉज़ रोज ही तो आ रहे हैं भाई यहां पे तो हम क्या करने वाले हैं इटरेट करने वाले फॉर अब रोज के लिए आप कुछ भी वेरिएबल आई जे यूज कर लो मैं आर यूज कर ताकि रोस को रिप्रेजेंट करे कि आर मतलब रो है ना सो फॉर आर इन रेंज है ना फॉर आर इन रेंज और हम क्या चाह रहे हैं कि यार हम नंबर ऑफ रोज पहले डिफाइन कर लें मतलब हम पहले चाह रहे हैं कि यार इस लिस्ट में हम इटरेट तो करेंगे पर पहले हमें यह भी तो पता हो कि कितने एलिमेंट्स है इसके अंदर ठीक है मतलब पता हो तो इंडिविजुअल कितने एलिमेंट सॉ इंडिविजुअल कितने एलिमेंट्स है इस लिस्ट के अंदर मेन लिस्ट के अंदर और वो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो क्या नंबर ऑफ एक तरीके से रोज है तो हमें क्या चाहिए हमें नंबर ऑफ रोज चाहिए जो हमें इनपुट कराइए तो हमें वेरिएबल्स बनाइए ठीक है तो मैंने क्या कहा पे मैंने रोज तक मुझे क्या चाहिए रोज तक मुझे रेंज मतलब जीरो से लेके रोज जितनी भी रोज है माइनस वन तक आपको क्या चाहिए आपको नंबर चाहिए ताकि आपको टोटल नंबर ऑफ रोज पता चल जाए नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता चल जाए इस लिस्ट में जिस जितना आपको इटरेट करना है ठीक है अब इसमें हम करने क्या वाले हैं तो इंडिविजुअल हर रो के लिए है ना अब हम क्या कर रहे हैं इटरेट कर रहे हैं ओवर रोज तो पहले रो फर्स्ट पे जाओगे फिर सेकेंड पे फिर थर्ड पे फिर फोर्थ पे इस तरीके से जाओगे जीरो से शुरु, शुरु, शुरुआत होगी जीरो वन टू थ्री इस तरीके से जाओगे तो जब आप फर्स्ट रो में हो तो जब आप फर्स्ट रो में हो तो आप चाहते हो कि इस रो को कंप्लीट करो तो साइमल्टेनियसली मैं क्या बनाऊंगा यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा ठीक है फॉर इंडिविजुअल रो, तो मैं यहाँ क्या बनाऊंगा एक इंडिविजुअल रो के लिए एक वेरिएबल बनाऊंगा और ये भी एम रहेगा बिकॉज हम अब इस लूप के अंदर इटरेट करेंगे हम इस लूप के अंदर इटरेट करेंगे टू फिल दिस मतलब अभी समझो आप इंडिविजुअल रो को पहले इट्रेट कर रहे हो है ना मतलब पहले इस पे जा रहे हो फिर इस पे जा रहे हो फिर इस पे जा रहे हो है ना इस तरीके से कर रहे हो

ठीक है तो फॉर सी इन रेंज कॉलम्स बनाया तो अब मैंने क्या कर दिया कि जितने नंबर ऑफ कॉलम्स उतने बना लो तो जो फिक्स है वो वैल्यू फिक्स ही रहेगी हमेशा जो भी आप बना रहे हो ठीक है हर उसके लिए और अब मैं कराने क्या वाला हूं अब हम एक तरीके से पहुंच गए हैं कि हम पहले इस लिस्ट के मतलब इटरेट करने वाले मेन लिस्ट को तो मेन लिस्ट के पहले फर्स्ट लिस्ट पे जाएंगे फर्स्ट लिस्ट पे अब हम कॉलम्स को फिल कर रहे हैं तो फर्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे तो सबसे पहले यूजर से ये इनपुट लेंगे कि यार सबसे पहले एलिमेंट आपको क्या चाहिए वो बताइए यहाँ एंट्री करेंगे फिर क्या होगा सबसे पहले आपकी जो लूप बढ़ेगा वो कॉलम्स का बढ़ेगा फिर सेकेंड एलिमेंट कॉलम के लिए फिर थर्ड एलिमेंट कॉलम के लिए इस तरीके से जब आपने फिल कर दिया एक रो फिर आप नेक्स्ट रो पे चलोगे और फोर फाइव सिक्स फिल करोगे तो अभी जब मैं कंप्लीट कर लूंगा एक बार फिर से आपको उसको समझाऊंगा ठीक है तो ये चीज समझ भाई पहले आपको अब मैं क्या करूंगा एक एलिमेंट एंट्री कराऊंगा तो मैं यहां पे करूंगा अच्छा इसको टाइपकास्ट भी कर दूंगा बिकॉज़ बिकॉजर में ही मैं फिल, फिल कर हूँ फिलहाल ठीक है तो मैंने क्या कहा इनपुट और तो मैं मांगना चाह रहा हूं भाई यूजर से कि कौन सा आपको एलिमेंट चाहिए तो पर्टिकुलर जो भी आप एलिमेंट चाह रहे हो उस चीज को दूंगा ठीक है ताकि हमें यह पता रहे हम क्या एंटर करा रहे ठीक है सो एंटर कॉलसी वैल्यू देखो वो हम देखते हैं सो एंटर एसटीआर ऑफ मैंने क्या कहा रो ठीक है तो जो भी रो है जो भी आप रो पे क्रिएट कर रहे हो तो वो रो यहां पे आ जाएगा जिसे आप फर्स्ट एलिमेंट क्रिएट करो तो फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम को तो प्लस अच्छा एसटीआर में कन्वर्ट क्यों करो ताकि टाइप कास्ट कर सकूं है ना प्लस सो कैन कर सकूं ठीक है तो कॉलम फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम मैंने इनपुट कर दिया कि मतलब मैंने ये रिपीट कर दिया कि कौन से रो का कौन सा कॉलम मुझे चाहिए सपोज मुझे यहाँ पे फिलहाल चाहिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम अब मैं ये भी चाह रहा हूँ इस तरीके से ना एंटर आए और फिर नहीं ऐसा भी नहीं चाह रहा मैं क्या चाह रहा हूँ बीच में कॉलम लिख के आया मतलब रो कॉलम सॉरी रो कॉला सॉरी रो कॉमा कॉलम कॉमा कॉलम में कंफ्यूज कंफ्यूजन मिसाइल से तो कॉमा कॉलम चाहिए मुझे तो बीच में रो और कॉलम के बीच में मुझे क्या चाहिए एक कॉमा और चाहिए राइट तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा एक कॉमा डाल दूंगा और फिर कंकैटिनेट कर दूंगा ठीक है तो रो को मैंने कंकैटिनेट किया कॉलम के साथ और एंटर आ गया कौन सी वाली आपको एंटर करानी है बीच में यहाँ पे स्पेस दे देंगे ठीक है तो ये परफेक्टली या फिर स्पेस देने की जरूरत नहीं है ना दिस वुड वर्क परफेक्टली और इसके बाद में क्या चाह रहा हूँ इसके बाद में ये चाह रहा हूँ कि बाद में इसके आपका आ जाए एक इसके बाद आ जाए कॉलम भी या डैश भी है ना डैश आ जाए कि किसको आप एंटर कराना चाह रहे हो और इसमें स्पेस आ जाए ठीक है और दिस वुड वर्क परफेक्टली कुछ प्रॉब्लम आएगी इसमें विजिबिलिटी में तो उसको सही कर लेंगे बाद में अभी फिलहाल मैंने ही बना दिया तो अब मैं क्या कर रहा हूँ इंडिविजुअल कॉलम्स को मैं ले रहा हूँ अब ये इंडिविजुअल कॉलम्स लिए जाएंगे है ना एक एक करके कॉलम्स लिए जाएंगे अब इस कॉलम को आपको कंकैटिनेट कहाँ करना सॉरी आपको अपेंड कहाँ करना है ठीक है तो आपको इस हर एलिमेंट को जो भी आप एंटर करा रहे हो इस एलिमेंट को कहा करना है आपको अपेंड करना है रो में राइट right? तो आपको क्या करना है आपको इस रो में इस एलिमेंट को अपेंड करना है राइट right? तो आफ्टर ईच इटरेशन हर बार एलिमेंट को एंटर करा के आपको क्या करना है आपको अपेंड करना है रो डॉट अपेंड ठीक है कहां पे रो में अपेंड कर दिया किसको करना है एलिमेंट को करना है ठीक है तो एलिमेंट को आपको अपेंड करना है हर एलिमेंट को अपेंड करना है कहां पे हर रो में और आफ्टर ईच इटरेशन आफ्टर कंप्लीटिंग रो को अपेंड कर देना किस में उस रो को पर्टिकुलर अपेंड कर देना कॉलम ठीक है सो मैं क्या कर दूंगा फाइनली लिस्ट डाल दूंगा सो एल एस टी डॉट अपेंड है ना एल एस टी डॉट अपेंड और इसमें मैं क्या करना चाह रहा हूं इसमें रो को अपेंड करना चाह रहा हूं ठीक है तो हर इस इटरेशन में ये होगा तो क्या होगा कि आप हर इटरेशन में पहले कॉलम फिल करोगे जो रो कंप्लीट हो गए उस रो को आप उस लिस्ट में एंटर करा दोगे ठीक है अब आफ्टर डूइंग दिस हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा बिकॉज कॉलम पॉपुलेट हुआ फिर रो पॉपुलेट हो जाएगी ठीक है और इसके बाद हमारा काम हो जाएगा और हम इसके फाइनली क्या करेंगे एक बार प्रिंट करके देखें कि क्या हमारा वही चीज प्रिंट हो गई तो लूप के बाद मतलब आफ्टर कंप्लीटिंग ईच एंड एवरी रो वी वुड प्रिंट की बता दो यार कैसी बनी है हमारी टू डी लिस्ट ठीक है सो टू डी टू डी क्रिएटेड लिस्ट ठीक है तो टू डी क्रिएटेड लिस्ट बता दीजिए भाई कैसी बनी हमारी और यहाँ डाल देंगे एल एस टी राइट चलिए तो फटाफट -फ़ड़ शुरू करते हैं देखते हैं कि कैसा बना है हमारा ये क्रिएशन पहले तो आपको करके दिखाता हूँ फिर आपको मैं इसको एक बार फिर से समझाऊंगा ठीक है तो पहले तो लिख के आ गया भाई इंटर द नंबर ऑफ रोज यू वॉन्ट तो सपोज मुझे रोज कितनी चाहिए चार चाहिए ठीक है थीके? फिर एंटर द नंबर ऑफ कॉलम्स यू वांट तो मुझे कितने चाहिए तीन चाहिए है ना अब एंटर जीरो कामा जीरो तो ये सही नहीं लग रहा है ना इसको थोड़ा ठीक करते हैं अपन एक काम करते हैं इसके पहले जो है स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं सो एंटर जीरो कामा जीरो इस तरीके से लिख के आएगा अब तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ यहाँ पे मैं प्लस करके इस तरीके से डाल देता हूँ है ना और ये कॉलम आ जाएगा भाई ठीक है सी दिस कैसा लगता है एंटर द नंबर ऑफ रोज फोर नंबर ऑफ कॉलम्स थ्री हाँ देखो नॉट इज लुकिंग गुड प्रेटी गुड ठीक है तो जीरो का जीरो कौन सा एलिमेंट एंटर करना है वो आपके पास आ गया अब एक करके जरा एंटर करते हैं हम एलिमेंट्स ठीक है तो जीरो पे मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में क्या एलिमेंट है वन है ठीक है फिर जीरो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम सही फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में क्या है टू है फिर थ्री है फिर फोर है फर्स्ट फर्स्ट नहीं एक्चुअली सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम तो वन जीरो ठीक है तो फोर है फिर फाइव है फिर सिक्स है फिर सेवन है फिर एट है फिर नाइन है फिर टेन है फिर एलेवन है फिर ट्वेल्व है राइट और अगर आप देखो तो आपकी लिस्ट परफेक्टली क्रिएट हो गई है और देखो क्या बन गई है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व जो आपने यहाँ पे बनाई थी ठीक है जो यहाँ बनाई नहीं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व ठीक है सो परफेक्टली आपकी लिस्ट क्रिएट हो गई आई होप ये समझ में भी आई होगी आपको एक बार फिर से मैं इसको रिपीट करता हूँ ताकि आपको चीज़ एक बार फिर से क्लियर हो जाए तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं बेसिकली हम हर रो पे पहले ट्रेट कर रहे हैं तो फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो एंड फोर्थ रो हम हर रो पे ट्रेड कर रहे हैं और हर रो में फिर हम कॉलम को पॉपुलेट कर रहे हैं फिर ठीक है एक रो में फिर हमने नंबर ऑफ कॉलम्स 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 किए कितने हमारे फिल कर दिए एक रो के अंदर और फिर वो पूरी रो हमने अपेंड कर दी लिस्ट के अंदर सो ये हम एक्चुअली में करना चाह रहे हैं कि हमें लिस्ट में पहले रोज बनानी है और फिर हर रो के अंदर कॉलम्स को अपेंड करना ठीक है तो ऐसा ही कुछ हमने करा है यहाँ पे ठीक है आई होप ये चीज समझ में आई तो लिस्ट क्रिएट करी रोज एंटर कराई कितनी है कॉलम एंटर कराई कितनी है ठीक है फिर हमने इटरेट किया इन ऑन रोज रोज है ठीक है तो हमने रोज पे ट्रेड किया सो आर इज फॉर नंबर ऑफ रोज तो फर्स्ट आर की पहली वैल्यू पहले जीरो होगी क्योंकि आप रेंज से यूज कर रहे हो तो जीरो होगी ठीक है आप इवन अगर चाहो तो इवन ये भी कर सकते हो तो वन कॉमा करके कर दो तो आपको प्रॉपरली फिर चीजें समझ में भी आ जाएंगी है ना इफ़ यू वांट आप ऐसा भी कर सकते हो ठीक है परफेक्टली काम करेगा या अच्छा काम करेगा बल्कि ठीक है तो देख लीजिए तो एंटर द नंबर ऑफ रोज फोर है ना नंबर ऑफ कॉलम्स थ्री अब तो कोई प्रॉपर्ली वन कॉमा वन लिख के आ रहा है तो हमने यहाँ पे लिख रहे हैं वन सॉरी वन फिर टू फिर थ्री फिर सॉरी टू थ्री चला गया ठीक है फिर फोर फिर फाइव फिर, फिर सिक्स ठीक है और आई थिंक सो कुछ हमने गलती कर दी ओके आई थिंक सो कुछ प्रॉब्लम हो गई है वन टिल रोज अच्छा रोज प्लस वन बनाना चाहिए है ना रोज प्लस वन क्योंकि रोज इंक्लूड नहीं होगी ना रोज प्लस वन तक बनाना चाहिए ठीक है तब फिर परफेक्टली काम करेगा सो फोर थ्री है ना सो वन टू थ्री एट फोर फाइव सिक्स सेवन फिर टन ट्वेल्व ठीक है तो ये आ गया आपका क्योंकि रो जो भी आप दोगे दो वो इंक्लूड नहीं होगी ना तो ये फिर आपका भले ही रो आपने चार डाली हो वो सिर्फ तीन ही लेगा वन टू थ्री फोर इंक्लूड ही नहीं करेगा तो इसलिए रो प्लस वन कॉलम प्लस वन तो ये भी आप कर सकते हो तो वो लिख के प्रॉपरली आएगा या फिर अगर आप ये चाहो आप एक और काम कर सकते हो अभी हमें रो प्लस वन और कॉलम प्लस वन इटरेट करा सकते हो अगर उसमें भी कंफ्यूजन आपको तो ठीक है चलो तो बेसिक पर्पज क्या है बेसिक हमारा ये है कि हमने पहले तो टोटल नंबर नंबर ऑफ ऑफ टोटल कॉलम्स इनपुट करा लिए अब हम इंडिविजुअल हर रो को क्या कर रहे, है? कर रहे हैं ट्रेवल्स हैं और हर रो में फिर हम कॉलम्स को पॉपुलेट कर रहे हैं तो पहले हमने लूप किया फॉर रोज ये लूप रो के अंदर है मतलब ये इंडिविजुअल रो को इट्रेट करा तो पहले इस रो पे फिर इस रो पे फिर सेकेंड थर्ड रो पे फिर फोर्थ रो पे इस तरीके से जा रहा है तो इंडिविजुअल हर रो पे जाने का काम इसका है और फिर हर रो पे जाने के बाद हमने क्या करा हर रो में जाने के बाद एक ब्लैंक लिस्ट बनाई ठीक है एक ब्लैंक लिस्ट बनाई और इस रो

वो कॉलम में मतलब वो एक पर्टिकुलर रो में आ गए वो एलिमेंट्स ठीक है अब वो वो पूरी जो रो रो आपकी बन गई उस को हमने अपेंड करा दे किस में, पूरी लिस्ट में ठीक है तो अगर मैं इसको देखूं तो सबसे पहले मतलब अगर मैं इसको कर रहा हूं, एक बार आपको ठीक तो है तो इनिशियली रो है है ना इनिशियली रो वन है तो जब रो वन है तो वो इधर पॉइंट कर रहा है इसमें आपने एक रो बना ली ब्लैंक लिस्ट बना ली है ना अब इस ब्लैंक लिस्ट में आप क्या कर रहे हो चलो तो एक काम हम ये भी कर सकते हैं हम इसको पता है मैं आपको इसको डिबक करा के भी दिखा सकता हूँ तो डिबक करके दिखाता हूँ चलो डीबक uh, करके दिखाते हैं। तो रन एंड डिबक राइट और इसको नीचे कर लेते ठीक है तो चलिए इससे जरा शुरू करते हैं। एक बार करना, राइट, right? तो अब अब ये रन होगा ठीक है तो ये रन होगा तो इसने मुझसे मांगा कि कितने भाई नंबर ऑफ रोज बता दीजिए कितने हैं। तो फोर है नंबर ऑफ रोज ठीक है एंटर कराया ठीक है अभी यही रो चला है अभी नेक्स्ट कॉलम चलाने के लिए मैंने आपको फिर से रन करना पड़ेगा तो किया तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए थ्री आ गए ठीक है तो अगर आप यहाँ पे देखो तो देखो रोज कितनी है चार है कॉलम्स कितने हैं तीन है ठीक है और एक एम लिस्ट क्रिएट हो गई एल नाम से ठीक अब आप इसको रन करोगे तो जैसे आप इसको रन करोगे तो अब r की वैल्यू हो गई है वर्ड मतलब ये फर्स्ट रो पे आप पॉइंट कर रहे हो ठीक है अब जैसे आप आगे बढ़ोगे ठीक है अब आपने क्या करा अब एक रो एक और इंडिविजुअल वेरिएबल बना लिया रो तो लिस्ट है टोटल नंबर ऑफ रोस है मतलब रोस अलग है टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स अलग है ठीक है r अलग है ठीक है अब आप क्या कर रहे हो इंडिविजुअली हर कॉलम को एंटर करा रहे हो तो देखो है ना अब आप इंडिविजुअल हर एलिमेंट को एंटर करा रहे हो तो वो हम अभी कराने वाले हैं ठीक है ठीके? और उसको देखते हैं भाई फिर ठीक है तो इसको रन कराते हैं फिर इस वाले उसको रन कराते हैं ठीक है चलो अब ये मुझसे मांग रहा है कि भाई सबसे पहले क्या करो फर्स्ट एलिमेंट को एंटर कर दो तो फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या था वन था ठीक है अगर आप देखो तो देखिएगा सिचुएशन क्या होगी भाई ठीक है अभी मेरे पास रोज थे ठीक है हमारे पास अभी रोज थे रो था रो आर था अब हमने इंडिविजुअल एक एलिमेंट को एंटर करा लिया है विच इज व्हाट, विच इज व्हाट? एक काम करता हूँ वी नीड नोट वी डोंट नीड दिस या दिस इज वर्किंग वेल ठीक है अब प्रॉपरली विजिबल है तो देखो रोज क्या है फोर है रो क्या है आपकी एम भी लिस्ट है ठीक है आर अभी आपका वन चल रहा है और एलिमेंट अभी जो आपने एंटर करा है वो क्या है वन है अब आप क्या करने वाले हो इस रो को मतलब इस एलिमेंट को रो में अपेंड करने वाले मतलब इस रो में अपेंड करने वाले तो देखिए इसको कर लेते हैं तो देखो रो में वन आ गया फिलहाल ठीक है अब इंडिविजुअल वापस से एलिमेंट मांगूंगा मतलब ये क्या करेगा इंडिविजुअल अब, अब एक एक एलिमेंट पास करे जाओगे और इस रो में एंटर कराते चले जाओगे तो देखो भाई है ना अब फिर से आपका एलिमेंट चेंज होगा है ना एलिमेंट एक और वेरिएबल स्टोर करोगे सो टू पास करोगे यहाँ पे है ना टू पास कर दिया मैंने ठीक है अब टू जैसी पास करा तो एल एम क्या बन गया आपका टू बन गया अब इस टू को हम रो में अपेंड करा देंगे तो देखिए आपके वन के साथ टू और आ गया ठीक है फिर से इसको रन करेंगे वापस से स्टार्टिंग में पहुंच गया फिर से इसको रन करोगे ठीक है तो अब सी आपका क्या बन गया थ्री बन गया वन टू थ्री करके, करके कॉलम एंटर करता, करते जा रहे हो अब यहां पे हम एंटर करेंगे वैल्यू को तो अब यहाँ एंटर क्या कर देंगे थ्री कर देंगे अब इस पॉइंट पे आके देखिए थोड़ी सी चीजें चेंज होंगी ठीक है

पूरी रो है ये पूरी इस लिस्ट में अपेंड हो गई है ठीक है और जैसे आपने अपेंड करा है तो आपका ये लूप पूरा कंप्लीट हो गया और आपका फिर से आपका एक नया आर बन जाएगा तो इंडिविजुअली पहले आर वन था ठेके? ये जो सी थ्री है ये पिछले वाले लूप का है, अभी फिर से रीसेट हो जाएंगे चीजें ठीक है फिर कॉलम्स तो आपका फिक्स वेरिएबल्स है कॉलम फिक्स वेरिएबल्स है ठीक है आर जो वन था जो यहाँ पे वन था अब क्योंकि दोबारा से ट्रेड करोगे तो अब क्या हो जाएगा अब टू हो जाएगा तो अब देखो आर टू हो गया ठीक है अब आर टू क्लब फिर से एक एम लिस्ट बनाने वाले क्योंकि ये तो ये आप थोड़ी दोबारा से सबमेंट कराओगे ठीक है तो एक नई फिर से एक एम लिस्ट बन गई एम हो गई ठीक है अब फिर से आप सी को जीरो कर दोगे ठीक है सी को फिर से जीरो कर देंगे ठीक है तो सी जीरो नहीं एक्चुअली वन से स्टार्ट कर रहे हैं जीरो पहले कर रहे थे ठीक है सी को फिर से वन कर देंगे ठीक है और हम फिर से एलिमेंट को एंटर कराएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा ठीक है तो अब जब एलिमेंट जो आप एंटर करा रहे हो वो क्या है फोर है तो फोर एंटर कराया आपने अब फोर को एंटर कराने के बाद आपने फिर से इसको रन किया ठीक है फिर से इसको रन किया अब ये जो है क्या होगा अपेंड हो गया रो में ठीक है फिर से हम इसको रन करेंगे ठीक है फिर टू हो जाएगा सी है ना और एलिमेंट एंटर करा होगा फिर आप तो अब हम एलिमेंट के एंटर करा लेंगे फाइव एंटर करा लेंगे और इस फाइव को क्या करेंगे इस रो में अपेंड कर देंगे ठीक है तो इधर ध्यान रखते चलिएगा ठीक है फोर को मतलब फाइव को जो है इस रो में अपेंड कर दिया ठीक है अब इसके बाद फिर से कंडीशन चेक करेंगे कॉलम को आगे बढ़ाएंगे सी हो जाएगा ठीक है सी थ्री हो गया और इसके बाद फिर एंटर कराएंगे वैल्यू को तो अब क्या करेंगे सिक्स एंटर करा देंगे ठीक है तो ये सिक्स एंटर करा दिया अब जो सिक्स हमने एंटर करा दिया है तो अब एलिमेंट सिक्स हो गया है ठीक है अब ये सिक्स क्या होगा रोम अपेंड हो जाएगा तो इस रो में अपेंड हो गया देखो और अब इसके बाद करने वाले जो कंडीशन चेक करोगे तो वो फुलफिल्ड नहीं होगी तो सीधे हो, तो हो अब? अब अब को को अपेंड करने वाले हो ठीक है तो ये देखो पूरी लिस्ट क्या हो गई मतलब पूरा रो क्या हो गया इस लिस्ट में अपेंड हो गया सीधे ठीक है तो पूरा जो रो है वो इस लिस्ट में क्या हो गया अपेंड हो गया इस तरीके से आपके दो रोज बन गए ऐसे आप चार रोज और बनाओगे और आपका चलता रहेगा तो भाई ये पूरी कहानी है जो आपकी एग्जिस्ट करती है तो दो मैं आपको बता दी मैंने अब आगे आपको समझ में आ ही जाएगा राइट तो इस तरीके से कभी भी कोड को किसी को भी समझना है सो डीबॉगिंग इज द बेस्ट मेथड और डीबॉगिंग पूरा डिटेल में मैंने समझा रखा है एक वीडियो में अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी वो वीडियो देखिए और सबका क्लियर कट आइडिया पड़ेगा कि क्या है भाई ये डिबॉगिंग क्यों कर रहे अपन डीबॉगिंग कैसे करते हैं सारी चीजें डिटेल में बताइए तो वो एक बार देख के आइए ठीक है सो आई होप इसके साथ आपको ये जो क्रिएशन वाला पार्ट है लिस्ट क्रिएशन वाला पार्ट ये क्लियर हो गया होगा किस तरीके से आप लिस्ट को क्रिएट कर सकते हो टू डी किस तरीके से आप क्रिएट कर सकते I hope हो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी राइट अब जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन है या नेक्स्ट जो हम चीज करने वाले हैं आफ्टर क्रिएशन ऑफ टू डी लिस्ट वॉट वी वुड बी डूइंग इज वी वुड बी अ लिस्ट ठीक है और इसको एक अच्छे फॉर्मेट में इस तरीके से प्रिंट मतलब यूजुअली लिस्ट इस तरीके से बनती है हम क्या करेंगे इसको इस तरीके से प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे कंसोल पे भी ठीक तो है तो चलिए शुरुआत करते हैं उस चीज की ट्रेवर्सिंग आ टू डी ठीक लिस्ट आप ट्रावर्सल सीख रहे हो किस तरीके से आप ट्रावर्सल कर सकते हो ठीक है अब हम देखो बाई डिफॉल्ट जो मैं अभी यूज करने वाला हूँ लिस्ट वो मैं एक काम करने वाला हूँ मैं इसी लिस्ट को यूज करने वाला हूँ ये जो लिस्ट मेरी है इसी को करने वाला हूँ मतलब इसको मैं करूंगा अनकमेंट ठीक है तो आपसे मैं एंटर करूंगा एक टू डी लिस्ट ठीक है तो हम टू डी लिस्ट एंटर करेंगे क्रिएट करेंगे टू डी लिस्ट को इस तो तो तरीके से हमारी टू डी लिस्ट क्रिएट हो जाएगी और जो हमारे पास फाइनली जो एल एस टी बनेगा अब इस एल एस टी को ही हम वो बोरिंग वो वे में बजाय मतलब इस नॉर्मल वे के बजाय क्योंकि इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है समझने में ठीक है हम इस तरीके से बनाएंगे तो इम्प्लीमेंट करते समय इसकी जरूरत है बट यूज करते समय जब आप लिस्ट का यूज कर रहे टूडी ले तो बहुत जगह यूज करते हैं हम टूडी लिस्ट का ठीक है तो जब टूडी लिस्ट का यूज करो तो इस तरीके से होना चाहिए ठीक है चलो देखते हैं फिर फटाफट तो उसको प्रिंट कराते हैं ठीक है तो हम क्या करने वाले है? सबसे पहले तो एक स्टेटमेंट प्रिंट कर देता हूं कि जो हमारी क्रिएटेड लिस्ट है वो क्या है सो सो प्रिंट प्रिंट क्रिएटेड क्रिएटेड लिस्ट लिस्ट ठीक है है क्या बता दीजिए भाई तो हम ये बता रहे हैं कि हमारी क्रिएटेड लिस्ट क्या है

स्क्वायर ब्रैकेट ठीक है तो मैं यहाँ क्या करने वाला हूं एल एस टी इज इक्वल टू स्क्ट टाइप करने वाला हूँ उसके बाद नई लाइन में चले हो गया ठीक है अब जब नई लाइन में जाओगे तो देखो क्या करने वाले हो आप नई लाइन में हर रो के लिए आप इस इंडिविजुअल पूरी रो को प्रिंट करने वाले हो तो मैं क्या करने वाला हूं भाई इटरेट करने वाला हूँ रो पे ठीक है तो इंडिविजुअल रो पे जाने वाला हूँ विद वेरिएबल आई ठीक है वेरिएफॉर आई इन रेंज ठीक row है फॉर आई इन रेंज रो सॉरी रो नहीं रोज रोज है है टोटल ठीक फॉर आई इन रेंज तो इंडिविजुअल रो पे जा रहा हूं आई जीरो से लेके आपके रोज तक जा रहा हूं मैं भाई ठीक है जो भी नंबर ऑफ रोज है ठीक है अब ये तो हो गया आपका काम कि आप कितने रोज तक जा रहे हो अब इसके बाद आपको क्या कराना है आपको प्रिंट कराना है ठीक है प्रिंट कराना है

बल्कि स्पेस की भी मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि कॉमा हाँ स्पेस की भी जरूरत नहीं है तो स्पेस भी नहीं दे रहा मैं ठीक है सिंगल मतलब ऐसा ही है बिना स्पेस के ठीक है अब इसके बाद मैं कराने क्या वाला हूँ तो ये तो आप इंडिविजुअल रो में करने वाले हो कि हर रो में हर रो में आप शुरुआत करने वाले इससे है ना टाप दोगे स्पेस दोगे और इससे शुरुआत करोगे वैसे स्क्वायर ब्रैकेट से शुरुआत करने वाले हो और एंड में फिर मतलब स्पेस नहीं देने वाले हो है ना बट इसके अंदर आपको करना क्या है हर कॉलम को भी तो प्रिंट करना है ठीक है तो एक जे बना देता हूँ जो हर कॉलम को ट्रैवर्सल करने वाली फॉर जे इन रेंज है for J in range, ना फॉर जे इन रेंज कॉलम्स ठीक है इंडिविजुअल आईजे ठीक है तो जो फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम पे फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम पे फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम पे है ना मतलब अब मैं इंडिविजुअल इन in को प्रिंट कर रहा हूं तो मैं क्या करने वाला हूं मैं अब प्रिंट करने वाला हूं इंडिविजुअल रोक रो रो मतलब हर के कॉलम को ठीक है के 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 कॉलम को मैं प्रिंट करने वाला हूं आइथ के जेथ कॉलम को मैं प्रिंट करने वाला हूं और इनको सेपरेट करने वाला हूँ किससे कॉमा से ठीक है सो एंड में सेपरेट किससे करने वाला हूं मैं सेपरेट करने वाला हूं भाई कॉमा से ठीक है अच्छा एक चीज़ आप ऐसा भी कर सकते हो अगर आपको इसमें बहुत दिक्कत है कॉमा में अगर दिक्कत है तो स्पेस देख के पूरा प्रॉपर्ली रो कॉलम भी बना सकते हो इफ़ यू वांट ठीक है बट मैं फिलहाल कॉमा से सेपरेट कर करता रहा हूँ ठीक है तो कॉमा से इनको सेपरेट किया पूरे को ठीक है और इसके बाद मैंने क्या किया अब ये हो गया आपका प्रिंट है ना मतलब आप ये कह रहे हो कि हर कॉलम पर रिवर्सल करने के बाद आपने सारी इसके कॉलम्स सही हर रो पे ट्रेवल्स करने के बाद इसके सारे कॉलम्स प्रिंट कर लिए अब एंड में क्या करोगे कंप्लीट होने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट भी करना पड़ेगा ठीक है तो हर कॉलम कंप्लीट होने के बाद आप प्रिंट करोगे क्या स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट होने के लिए ठीक है तो आप ये भी डालोगे भाई है ना स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट करने के लिए एंड ठीक है और आफ्टर दिस अब आप क्या करने वाले हो ठीक है दैट्स ऑल वी आर डन ठीक है और इंडिविजुअल हमारा हो गया फिर राइट right. इस भी डन चलिए इसको प्रिंट करते हैं फिर अच्छा एक चीज और भाई एक चीज ये भी तो बच रही हमारी है ना हमारी ये हो गया मतलब ये हमने हर रो के एंड को कर लिया बट तो ये तो ये बची है ना स्क्वायर ब्रैकेट ये जो आपने ओपन किया था ये भी तो बच गया ठीक है तो ये हम एक काम करते हैं नई लाइन में ले आते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग ईच रो हम प्रिंट कर देते हैं ठीक है प्रिंट कर देते हैं क्या बैक स्लेस टी देखे है ना बैक स्लैस टी बैक्सलैस टी देखे ठीक है और आपका कॉलम क्लोज ठीक है स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज देखिए पहले इसको रन करके देखते हैं कि परफेक्टली चल रहा नहीं चल रहा फिर आपको डीबग करके समझाऊंगा इसको तो नंबर ऑफ रोज कितनी है भाई चार है नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं तीन है ठीक है तो आ गया वन टू थ्री फोर सॉरी वट आई एम डूइंग फर्स्ट रो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन then 11 12 ठीक है योगा एलिमेंट सेंटर अब एंटर करके देखो तो ये आपका बना था भाई ये आपका क्या बना था ये आपकी पहले 2d लिस्ट बनी थी है ना 2d लिस्ट बनी थी ठीक है उसके बाद क्रिएटेड लिस्ट हो गई आपकी क्रिएटेड लिस्ट जो बनाया अब देखो इसको जो प्रिंट करना था देखो उसी तरीके से प्रिंट हो गया ठीक है although थोड़ा बहुत ये गड़बड़ दिख रही है मुझे ठीक है ये थोड़ी बहुत गड़बड़ दिख रही है तो हम इसको क्या कर सकते हैं हम पहले मतलब मुझे एक्चुअली गड़बड़ इसकी दिख रही है इसमें और टैप दे सकता हूँ मैं या फिर एक काम ही कर सकते हैं हम सिर्फ सिंगल टैप ही देते हैं और यहाँ पे क्लोज कर देते हैं तो पहली बात तो ये कर लेता हूँ ठीक है इसको सिंगल टैप कर लेता हूँ तो अच्छा हो जाएगा ब्यूटीफाई हो जाएगा और साइमल्टेनियसली मुझे ये भी चाहिए कि इसको करने से पहले एक बैक स्पेस आ जाए ठीक है तो इन पहले इससे पहले जो प्रिंटेड है वो बैक स्पेस बैक स्पेस हो जाए तो प्रिंट करूंगा है ना और क्या करूंगा मैं इसमें डालने वाला B, तो ये क्या करेगा लास्ट कैरेक्टर को डिलीट कर देगा ठीक है? तीन फिर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन एक्चुअली कुछ गड़बड़ हो गई क्या सॉरी 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 मैंने एक्चुअली गलत जगह बैक भी डाल दिया मतलब वो हर कॉलम को कंप्लीट करने के बाद वो बैक्ल करते रहे मुझे ये नहीं चाहिए मुझे ये चाहिए कि आपका हर कॉलम प्रिंट होने के बाद भी नहीं आफ्टर कंप्लीटिंग द लास्ट कॉलम एक्चुअली ठीक है आफ्टर कंप्लीटिंग द लास्ट कॉलम मतलब हर कॉलम को कंप्लीट करने के बाद मुझे बैक स्लैश बी चाहिए ठीक है तो हर कॉलम कंप्लीट तो वैसे सही भी किया हमने कुछ गलत भी नहीं किया है फिर से एक बार रन करके देखते हैं इसको तो थोड़े छोटे के लिए इस बार फिलहाल डे करेंगे टू कमर टू के लिए करेंगे ठीक है और सारे एलिमेंट्स को वन कर दूंगा फिर हम देखते हैं कि गड़बड़ क्या हो रही है तो इफ़ यू ऑब्जर्व तो यार गलती मुझे जो दिख रही है वो ये दिख रही है कि कॉमा के बाद एक तो बैक स्पेस नहीं हो रहा सबसे बड़ी बात है बैक स्पेस नहीं हो रहा और ये हर उसके बाद नई लाइन में आ जा रहा है ठीक है तो नई लाइन में आने का तो रीजन मुझे समझ में आ रहा है क्योंकि हम ये प्रिंट स्टेटमेंट कह रहे हैं इससे पहले हम कॉमा लगा रहे हैं एंड को कॉमा से सेपरेट कर रहे हैं फिर इसके बाद हम बैक स्पेश सॉरी बैक स्लेश भी कर रहे हैं फिर इस प्रिंट के चक्कर में बैक स्लेश एंड जो आ रहा है वो न्यू लाइन में आ रहा है तो पहली बात तो मैं ये कर देता हूँ कि एंड को मैं अनस्पेस कर देता हूँ कि कुछ भी स्पेस नहीं चाहिए और आई थिंक सो अब सह, शायद सही चल जाना चाहिए है ना देखते हैं चलो टू कॉमा टू वन 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 हाँ देखो अब सही चल गया ठीक है अब प्रॉपर्ली हो गया तो वही वो उस बैक स्लच भी की वजह से जो, जो है जो हमने डाला उसके वैसे न्यू लाइन में आ रहा था वो प्रॉब्लम हो रही थी और वो बैक स्लच भी अब काम भी कर रहा है ठीक है वो आपका जो कॉमा है जो भी आपने कॉमा बनाया है वो डिलीट हो जा रहा है बैक स्पेस से डिलीट हो जा रहा है चलो अब परफेक्ट है तो एक बार इसको क्या करते हैं अपने जो नॉर्मल कोड जो था पहले वही वाला रन करते, है। तो करते हैं तो फोर कॉमा थ्री के लिए रन करते हैं तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन डाला है नहीं हो गया सॉरी जल्दी जल्दी चक्कर में ऐसा होता पता है पता फोर कॉमा थ्री फिर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवेन ट्वेल्व ठीक है चलो सो लिस्ट में बन गया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन तो आपने हर एलिमेंट को ट्रावर्सल कर लिया ठीक है मतलब ये तो आपने यहां सकता ऊपर क्रिएट ही किया था ठीक है तो आपकी क्रेडिट लिस्ट है इसके बाद जब आपने क्रेडिट लिस्ट को ट्रावर्सल किया तो आपने इंडिविजुअल एलिमेंट को ट्रावर्सल भी कर लिया और उसको प्रिंट भी कर लिया मतलब ट्रावर्सल करो तो देख लेकर प्रिंट भी कर लिया आप चाहे तो कुछ और ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हो प्रिंट भी कर लिया और हमने ये भी देख लिया किस तरीके से आप इसको नई नई लाइन मतलब जो प्रॉपरली फॉर्मेट करके जो लिस्ट फॉर्मेट में होता है उस तरीके से आप ला सकते हो राइट सो आई होप आपको यहां तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से आप ट्रावर्सल का भी काम कर सकते हो तो क्रिएशन हम देख लिया हमने ठीक है क्रिएशन देख लिया ट्रावर्सिंग देख लिया किस तरीके से आप ट्रावर्सल कर सकते हो ठीक है नाउ वॉट वी वुड सी एज की सपोज एक लिस्ट सपोज क्रिएटेड है मेरे पास कोई भी एक लिस्ट क्रिएटेड है ठीक है उसके मैं इंडिविजुअल एलिमेंट्स को प्रिंट कैसे कर सकता हूँ तो मैं एक काम ये करता हूँ अब मैं करने क्या वाला हूँ अब मैं इसको कमेंट आउट करूंगा ठीक है ठीक है बिकॉज आई डोंट नीड कि मैं यार बार बार बनाता रहू ठीक है और इसको मैं कॉपी करके है ना यहाँ पे प्रिंट करेंगे राइट यहाँ पे एक्चुअली प्रिंट कर देता हूँ मैं है ना और इसको एल नाम देते हैं है ना लिस्ट परफेक्टली काम कर रहा है अपना ठीक है ऑल दो जो रोज और कॉलम्स आपने इनपुट रहे हैं उसमें दिक्कत आ जाएगी ये मैं हटा दूँ ठीक है well, right? और एल एस टी कैपिटल है ठीक है नाइट इज वर्किंग वेल राइट चलो परफेक्टली काम कर रहा है मैं क्या करने वाला सी अब मैं देखने वाला वालू मतलब आफ्टर ट्रावलिंग हम देखने वाले हैं कि क्या हम इंडिविजुअल एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं सो एक्सेसिंग इंडिविजुअल एलिमेंट्स हमारा नेक्स्ट पार्ट ठीक है इंडिव्यूजुअल एलिमेंट ठीक है एक्सेसिंग इंडिविजुअल एलिमेंट्स ठीक है सपोज अभी अगर आप देखो तो ये अगर आप लिस्ट देखो तो कैसे प्रिंट होकर आ रही है तो अगर मैं फ़ोर और थ्री करूं तो आपकी ये परफेक्टली इस तरीके से लिस्ट प्रिंट हो क्या आ रही है राइट बल्कि फोर थ्री का भी झंझट हटाते हैं अपन है ना ये या फिर एक काम ही करते हैं एक्चुअली मैंने क्या प्रॉब्लम है हम एक काम ही करते हैं इसको यहाँ पेस्ट करते हैं ठीक है यहाँ से इसको डिलीट मारते हैं ठीक है इसको कमेंट आउट करते हैं यह आपका नॉर्मल जो था अपना काम उसके लिए है इन दोनों को भी कमेंट आउट करते हैं ये क्यों इम्पोर्ट हो गया शायद कुछ कहीं गलती कर दी होगी और ये परफेक्ट है अब हम करने के बारे इसको कॉपी करूंगा मैं है ना इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा इसको अनकमेंट करूंगा और यहाँ पे रोज में मैं हार्ड कोड कर दूंगा फोर और थ्री ठीक है अब इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी परफेक्टली काम करेगा देखो तो ये लिस्ट है अगर आप देखो तो इसके फर्स्ट एलिमेंट में क्या है भाई वन है मैं चाहता हूं इस 1 को चेंज करना मैं चाहता हूं ये 1 को 100 बनाना तो क्या मैं इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकता हूं आंसर इज यस आप कर सकते हो ठीक है कैसे कर सकते हो वो देखो तो मैं यहां पे क्या करूंगा सबसे पहले प्रिंट कर दूंगा एक व्हाट सेपरेशन लाइन ठीक है और यहां पे क्या करने वाला हूं अब मैं करने वाला हूं आपका

और इसको मैं क्रिएटेड चेंज लिस्ट लूंगा चेंज लिस्ट आपकी तो तो क्या थी लिस्ट थ्री देखो क्या हंड्रेड टू थ्री फोर फाइव सिक्स परफेक्टली काम कर गया ध्यान जो आपको रखना है वो ये भाई यहां पे जो ये वाला रो है ये रो है ये फर्स्ट नहीं है ये जीरो इंडेक्स इसका जीरो है ये कौन सा है जीरो है सरी, आ, ये वाला फर्स्ट वाला जीरो है, से ये एन माइनस वन तक जाते हैं उसी तरीके से में अगर आप देखो तो ये आपका फर्स्ट कॉलम नहीं है यह जीरो, जीरो वन टू तीन है ना तो एन माइनस वन थ्री माइनस वन टू तक जाएगा समझ में आया तो अगर आपको ये चीज ध्यान है तो आप इसको किसी को भी चेंज कर सकते हो जैसे कि अब जरा ये फाइव को चेंज करते हैं ठीक है अब फाइव क्या है जरा ये देखिएगा तो अगर मैं रो की बात करूं तो जीरो और फर्स्ट रो है है ना तो ये फर्स्ट रो है और कॉलम कौन सा है ये तो ये जीरो और वन मतलब ये और कॉलम है 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 ठीक मतलब एलिमेंट तो जरा इसको चेंज करके देखते हैं क्या है चेंज होगा ठीक है तो वन कॉमर वन को चेंज करेंगे हम ठीक है तो इसको करूंगा मैं कमेंट एक्चुअली पहले कॉपी है ना पहले कॉपी फिर कमेंट आउट और फिर दोबारा से प्रिंट ठीक है और मैं यहां चेंज करने वाला हूं वनो वन को फाइव हंड्रेड ठीक है और देखिए भाई क्या होगा तो पहले वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स था 10, 11, 12 था अब क्या हो गया वन टू थ्री फोर और फाइव हंड्रेड फाइव चेंज हो गया फाइव हंड्रेड बन गया सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन है एक बार इसको एक्सेस करिए भाई ये कौन सा एलिमेंट है तो अगर मैं रो देखूं अच्छा पहले रो फिर कॉलम ठीक है तो अगर मैं ये रो देखूं तो रो के आई ये एक दो तीन तीन नहीं है बट क्या ध्यान रखना है जीरो से तो जीरो वन टू तो सेकेंड रो और कॉलम कैसा है सेकेंड कॉलम है नहीं कॉलम क्या है वन है सो टू कामा वन है तो मुझे क्या करना है भाई टू कामा वन को चेंज करना है तो मैं क्या करने वाला हूँ अब सो so, कमेंट करके फिर से लिखूंगा और यह अब रहेगा आपका टू कामा वन ठीक है अच्छा चेंज क्या कर ले भाई टू कामा वन मतलब एलिमेंट था क्या कहाँ गए हाँ सो टू कामा वन एट को हम एट हंड्रेड बना देंगे ठीक है सो एट को हम एट हंड्रेड बना देंगे और देखिए क्या होगा भाई तो अगर आप देखो तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट हंड्रेड नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व तो यस आप इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो जैसे हम लिस्ट में करते थे अब जब टू डी रहेगा तो आप क्या करोगे आप इसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करोगे ठीक है मतलब दो बार स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करोगे वही सेम जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं ठीक है ये फॉर रो कि किस रो में मतलब बड़ी लिस्ट के किस एलिमेंट में जैसे अगर मैं यहाँ पे कहूं तो जो आपने फर्स्ट डाला जैसे सपोज मैंने यहां डाला सपोज मैंने टू डी अंडर स्कोर लिस्ट है ना इस तरीके से डाला और यहां सबसे पहले डाला सपोज जीरो तो अब ये क्या चूज कर रहा है ये चूज कर रहा है इन में से इनमें से मतलब किस किस में से बता रहा हूं है ना इसमें से इसमें से इसमें से और इसमें से मतलब बड़ी लिस्ट का एक एलिमेंट को चूज कर रहा है तो बड़ी लिस्ट में आपने जीरो मतलब इस वाली लिस्ट को चूज कर लिया अब इसके अंदर आपको जो भी चूज करना है सपोज मुझे टू को चूज करना है तो मैं इस पर चला जाऊंगा तो ये जीरो वन है तो मैं डाल दूंगा यहाँ पे वन ठीक है तो इस तरीके से डाल के मैं हर एलिमेंट को एक्सेस कर सकता हूं और चेंज भी कर सकता हूं ठीक है तो आई होप ये सारे ऑपरेशन आपको समझ में आ गए होंगे आपको क्रिएशन समझ में आ गया है कि आप कैसे क्रिएट कर सकते हो है ना डीवर्क करके प्रॉपरली मैंने समझा दिया बाकी आपको प्रिंटिंग समझ में आ गई किस तरीके से आप प्रिंट कर सकते हो इंडिविजुअल एलिमेंट्स को आपको इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस करना आ गया आई होप दैट तो ये सब चीज आपको क्लियर हो गई है ठीक है क्रिएशन से लेके प्रिंटिंग से लेके एक्सेसिंग इंडिविजुअल एलिमेंट से लेके है ना सब कुछ ये क्लियर हो चुकी है आई होप दैट राइट तो ये अपनी चीजें क्लियर हो गई ठीक है तो ये हमारा प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया और हमारी वीडियो से भी कंप्लीट नहीं हुई चलते अपनी स्लाइड्स पे वापस और करते हैं अपनी वीडियो को कंप्लीट ठीक है चलिए ओके गाइस सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप ये तीनों ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो राइट प्रैक्टिकली मैंने समझा दिया आपको कि ये तीनों ऑपरेशन कैसे परफॉर्म किए जाते हैं अब जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये जो वीडियो है आपका लिस्ट चैप्टर का लास्ट थेरी वीडियो है मतलब लास्ट कॉन्सेप्चुअल वीडियो है अब इसके बाद जो आके आगे आपको आने वाली वीडियोस मिलेंगी लिस्ट से रिलेटेड वो मिलेगी कुछ क्वेश्चंस की ठीक है मतलब हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे होंगे जो आपकी बुक में ही हैं ठीक है थीके? तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे होंगे जो बुक में आपके गिवन है साथ में हम कुछ एक्सटर्नल क्वेश्चंस भी उठाएंगे जो लिस्ट से रिलेटेड है और अच्छे क्वेश्चन है उसके अलावा फिर हम कुछ थियरिटिकल क्वेश्चन करेंगे जो आपके जो हमने अभी चीजें समझी कॉन्सेप्ट जो देखे हैं उस पर बेस्ड आपके कुछ थियरटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं तो वो सब क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेंगे है ना और अभी तक हमारा ये चैप्टर खत्म हो चुका है ठीक है तो उन सब वीडियोस के लिए बने रहिएगा ठीक है मैग्नेट ब्रेन के साथ और एक बार हमारी वेब, वेबसाइट जरूर विजिट कर लीजिएगा तो गूगल पे टाइप करिएगा वेबसाइट आगे उस पर क्लिक करोगे तो यहां लैंड कर जाओगे दिस इज अर होम पेज यहां पे सीबीएसई इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट करिए क्लास इलेवन पे क्लिक करिए तो क्लास इलेवन के सारे कोर्सेज ओपन हो जाएंगे जो मांगरबेंस आपको ऑफर करता है इसमें कंप्यूटर साइंस सर्च करो नाउ पे क्लिक करोगे तो उसकी सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगी है ना अब किसी भी आप चैप्टर पे क्लिक कर सकते हो चैप्टर की सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगी ठीक है इसके बाद किसी भी वीडियो पे क्लिक कर सकते हो वीडियो प्ले हो जाएगी अब इसमें आपके पास सारे ऑप्शन है प्ले पॉज आगे पीछे स्पीड कंट्रोल वॉल्यूम कंट्रोल सारे ऑप्शन आपके पास ठीक है एक्सेप्ट पे आपको और एक्स्ट्रा कुछ बेनिफिट्स मिलते जैसे कि यहां पे सब चीजें भाई प्रॉपर्ली है YouTube पे थोड़ी सी लिमिटेशन है यहाँ पे हर चीज बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज है ठीक है दूसरा यहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन वगैरह नहीं है इधर उधर की वीडियोस नहीं है डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे सारा मैग्नेट का कंटेंट मिल जाएगा कुछ स्टडी कंटेंट पूरा मिल जाएगा और तीसरा भाई फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है ऐसा नहीं है कि दो वीडियोज फ्री ऑफ कॉस्ट है फिर आपको कुछ पे करना है नो no. पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है सब चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा यहाँ पर भी वेबसाइट पे भी और यूट्यूब पे भी तो अगर आपको आ, कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन भी आप लोगों के लिए भाई कमेंट सेक्शन भर दीजिए डाउट से ठीक है और गाइज अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है कंटेंट पसंद आ रहा है वीडियोज अच्छी लग रही है प्लेलिस्ट अच्छी लग रही है अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं अगर आपको लगता है कि आपको आप, आपको, आपको आपके एग्जाम्स में हमारी वजह से हेल्प मिल रही है तो हमारे साथ यानी कि मैनेजमेंट से जुड़े रहिए बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडर से क्लास ट्वेल्थ तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हर कोर्स में हम आपके साथ हैं सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इस तरह से बने रहेंगे राइट right? मैं आपसे मिलता तो हूँ नेक्स्ट वीडियो में टिल देन गुड बाय थैंक यू वेरी मच